अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी फेयर रिएक्शंस एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो गाइस, माय नेम इज हसन आसिफ एंड आई एम अहमद लतीफ। एंड टुडेस वीडियो टाइटल इज बहुत ज्यादा अच्छे वाला होने वाला है। हमारे दोनों कंट्रीज का जो नेशनल एंथम है वो बजने वाला है जी, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नेशनल एंथम। ये कौन से ये स्टेडियम के अंदर बजने वाला है जी, ये वो भी क्रिकेट मैच के अंदर। ये जरूर किसी वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप होगा और जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स हमें सामने थंबनेल में नजर आ रही हैं ग्राउंड के अंदर। ओप्पो हॉटस्टार सारी MRF, ठीक है ना, MRF टायर्स कर दी मशहूरी आपकी, क्या याद करो। अच्छा चलिए ठीक है जी, मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, अभी जाकर कर दो यार, मजा आएगा भाई। लोग स्टार्ट तो वैसे ही हमारी जो है आजकल इशू चल रहा है हमारा जो है ना चैनल के साथ, कोई डाउनफॉल आया, कोई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि भाई हमें आपकी वीडियो शो ही नहीं हो रही, हम देखें कहाँ से, ठीक है ना। इसलिए अब सारी पब्लिक तो सर्च नहीं करती चैनल को, उनके सामने वीडियो ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना हमारे व्यूज का काफी इशू चल रहा है। तो उम्मीद है इसे इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट टू मंथ हफ्ते में हमने एक स्केड्यूल रेडी किया है कि इस टाइम पर ये वीडियो अपलोड जरूर होगी, जरूर करेंगे। मतलब 12 को या 3 को या 6 को वीडियो अपलोड होगी, तो आप रेडी रहना, ठीक है। विदाउट एंड डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। पहले कौन सा है? इंडिया 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 पाकिस्तान 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 अब इंडिया का होगा अमिताभ बच्चन। हाँ पहले ही शफकत थमाने थे लीजिए, अब अमिताभ बच्चन जी। ओके गाइस, यहां पे जाना वीडियो एंड हो गई है। बात अमिताभ बच्चन जी की, अमिताभ बच्चन की आवाज, अच्छा ये मैजिक है। इनका जो नेशनल एंथम है पूरे कंट्री के अंदर इनकी साउंड में चलता है, इनकी आवाज में चलता है। नहीं इनकी आवाज में नहीं चलता, वो एक लेडी की आवाज, फीमेल की आवाज है उनमें चलता है। हां ये बट अमिताभ बच्चन को स्पेशली बुलाया गया बिकॉज़ इनकी वॉइस आपने देखी कितनी डीप है ना, इनको मतलब स्पेशली बुलाया गया था। स्पेशली बुलाया गया, शफकत अमानत अली को भी बुलाया गया पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करने के लिए, और अमिताभ बच्चन को कि जो है उनको रिप्रेजेंट करें। बहुत जबरदस्त सर जो है ना आवाज थी, और दोनों के ने जो है ना पंप दिया, गूस पंप डाले। स्पेशली मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू मार्क, जब अमिताभ बच्चन ने जब शुरू किया ना
मेरा मतलब ऐसे होश आवाज से, सही बात क्या है, बात मतलब ऐसे ऐसे फीलिंग आ रही जैसे पता नहीं यार अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप मतलब है, वो कह सकते हैं वजन है वजन जिससे बहुत हैवी जो है। असर करती है एक किस्म का, हाँ जैसे कहते हैं ना इम्प्रेसिव वॉइस के यार, एक किस्म का रोब होता है जिसके ऊपर यार एक ऊपर छा जाती है आवाज़, उस तरह की आवाज़ आप बिल्कुल ये हाँ कहना चाह रहे हैं। लेकिन हसन इमेजिन करो हमें इतना मज़ा आया इस चीज़ को फील कर, अच्छा मैं वीडियो के अंदर बोला नहीं था, मैंने फील किया हमने एंथम खुद को कि इस रिस्पेक्ट चीज़ दी को है। फील किया जाए, इसको सुना जाए। तो जो लोग वहाँ पे इसको लाइव देख रहे थे, लाइव सुन रहे थे, उनकी हाँ फीलिंग्स और कैसी उन्होंने होंगी लाइट्स चलाई थी मोबाइल वहाँ की। मोबाइल को, और उनके अंदर कैसा घूस बम्स आ रहे होंगे। इतना क्राउड था हसन यार, इतना क्राउड था, ये मतलब कौन सा वर्ल्ड कप था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत क्राउडेड था, इसमें पूरा पाकिस्तान फुल हारा था था ये मुझे पता है। मुझे पता याद है शफकत अमानत अच्छा अली ने जब ये मतलब किया था, इसके पाकिस्तान बाद हारा था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ठीक यार है, इसने कैसे मतलब किया, तो अच्छा अमिताभ अच्छा बच्चन को बहुत प्रेज भी किया था पाकिस्तानियों ने भी इवन क्या बात के यार है, इतना जबरदस्त मतलब जबरदस्त जज्बा था इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी जब वो यार। वैसे ना गा रहे बंदे का थे। स्प्रिट जो है ना, एक जो जज्बा जो हाई हो जाता है इस तरह की चीज़ें सुन के, और फिर इतना क्राउडेड माहौल हो तो एक दूसरे को देख के असल पंप मिलता है और इवन गूस के अगर बम्स, आप नर्वस हैं जस्ट लाइक मतलब ये क्रिकेटर सारे नर्वस होते हैं यार, बिल्कुल खिलाड़ी ऐसे मैच से पहले नर्वस, जब क्योंकि इवन वो के प्रेशर होता है ना, पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हो रहा होता है, बहुत प्रेशर होता है तो सर, जब आपका अमिताभ इसीलिए बच्चन आ रहे हाउसफुल हैं, था, इसीलिए हाउसफुल अमिताभ बच्चन से था उन्हें काफ़ी बूस्ट मिला था वैसे बिल्कुल वो भी दुरुस्त बात अब। है, मतलब उनको काफ़ी हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है उनको, पम मिलता है। और वैसे ही जो है ना क्रिकेट जो है, अब मैं कहता हूँ एक जुनून है इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के अंदर कि बस क्रिकेट ना हो, और क्रिकेट क्रिकेट हारो का मतलब है कि जंग हार गए सही बात है इवन के इतना, इंडिया में तो इसको क्रिकेट को गॉड समझा जाता है बिल्कुल यार, ऐसे ही है क्रिकेट का सचिन गोड, तेंदुलकर सचिन को, सचिन तेंदुलकर उनको तेंदुलकर गॉड समझा तो जाता मैं है। कहता हूँ यहीं पे हसन वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी मज़ेदार वीडियो थे, काफ़ी मज़ा आया गाइज, ये चीज़ इस तरह की वीडियो जरूर सजेस्ट किया करें, काफ़ी मज़ा आता है। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं गाइज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो उसे कर दें सब्सक्राइब। आपको हमें अपने बताया कोई इशू चल रहा है हमारा, हमारे जो है ना इंप्रेशन नहीं जा रहे, वीडियो शो नहीं हो रही हमारे सब्सक्राइबर्स को, इसलिए कोई इशू है इंशाल्लाह जल्द जवाल है इंशाल्लाह, अरूज भी अरूज देखेंगे भी दोबारा से आएगा। तो आएगा। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक टेक केयर, केयर, खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज।